सब्सक्राइब कीजिए अमान टेकवर्ड चैनल और दबाएं बेल बटन लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर कोई भी आपकी वाईफाई का पासवर्ड चोरी कर लेता है और उस पासवर्ड से आपका जो वाईफाई है उसे यूज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो आप उसे किस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं या फिर उसे किस तरीके से वाईफाई यूज करने से रोक सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है और आपको मैं आप बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से उसे रोक सकते हैं या फिर उसे अपना वाईफाई यूज करने से किस तरीके से ब्लॉक कर पाएंगे। वो कभी भी आपका वाईफाई यूज नहीं कर सकता है बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से रोक सकते हैं। आप देख रहे हैं अमान टेक वर्ल्ड, मैं जाफर खान, चलिए स्टार्ट करते हैं। कि इसमें मैं किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर जैन वाईफाई पर ही वर्क कर रही है। तो चलिए हम उसकी प्रॉक्सी को जो है टाइप करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप उसे वाईफाई यूज करने से रोक सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आप इनेबल कर लीजिए, यहां पर हम प्रॉक्सी टाइप करते हैं जैन की 192.168.8.1। तो ये प्रॉक्सी जो है आपको वाईफाई के जो भी आप वाईफाई यूज करते हैं उसके राउटर के नीचे या बैक साइड में आपको ये मिल जाता है। तो यहाँ पर हम टाइप करके और इसे इंटर पर क्लिक कर देते हैं। इंटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाती है। तो सिंपली आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है। मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि अगर वाईफाई यूज कर ब्लॉक करना है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का मैक एड्रेस यानी कि वाईफाई का जो मैक एड्रेस होता है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप उसे किस तरीके से रोक पाएंगे ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप उसके वाईफाई अपने मैक एड्रेस को पा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद में आपको लास्ट में अबाउट पे क्लिक करना है। अबाउट फोन पे क्लिक करने के बाद में किसी किसी मोबाइल में यहाँ ऊपर ही मैक एड्रेस आ जाता है और जिस पर अगर आपको मैक एड्रेस नहीं मिल रहा है तो आपको स्टेटस पर क्लिक करना है। स्टेटस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आईपी एड्रेस है और यहाँ पर वाईफाई मैक एड्रेस है। तो ये जो वाईफाई मैक एड्रेस है इसे आपको नोट कर लेना है कि ये आपका वाईफाई का मैक एड्रेस है। तो यहाँ हम सिंपली स्टेटस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हमसे पूछेगा यूजर एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर हमने पहले से ही यूजर पासवर्ड सेट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर हमें ये पता है कि हमारे जो वाईफाई का पासवर्ड है, हमारे जो मोबाइल का मैक एड्रेस है, वाईफाई मैक एड्रेस है, वो ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2B एंड 5D, ये हमारे मोबाइल का जो है मैक एड्रेस है और ये हमारे लैपटॉप का मैक एड्रेस है, मैक वाईफाई एड्रेस है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि ये आईफोन है, इसे हमको वाईफाई यूज करने से रोकना है, तो सिंपली हमें यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो यहाँ से ये आपका जो आईफोन है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब ये कितना भी कोशिश कर लें इसमें आप जो है वाईफाई कनेक्ट नहीं हो सकता है। जब तक कि आप यहाँ से इसे डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये वाईफाई एक्सेस नहीं कर सकता है कोई भी तरीके से, चाहे वो मोबाइल फॉर्मेट करें या फिर कुछ भी करें। जब तक कि यहाँ से हम डिलीट नहीं करेंगे वो वाईफाई को आपके एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से चलिए अब हम जो है आपको दिखा दिए हैं और इसे हम डिलीट कर देते हैं ताकि हम वाईफाई को एक्सेस कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती तो आप लोग लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले और आप वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।